बहु प्रतीक्षित गंजाम जिलार अधिष्ठात्री तथा दक्षिण ओडिशार प्रमुख शक्तिपीठ माँ तारातारिणी मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव आसंता मे मास 15 तारिखर आरंभ हेबो। 20 तारिख पर्यंत आध्यात्मिकमय परिवेश मध्यरे एही उत्सव पालन करबाकु निष्पत्ति निया जायछि। गंजाम जिलापाल विजय अमृत कुलांगे पौरोहित्यरे एनेइ एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होइछि। जिलापाल कहिछन्ति राज्य में एक स्वतंत्र परिचय तयारी करिपरथिबा माँ तारातारिणी पीठ से 50 कोटी टंकार उन्नयन काम इतिमध्यरे समाप्त हेबो। पीठर विकास पई राज्य सरकार अनेक पदक्षेप नेथिया बेले पूर्त और ग्राम्य उन्नयन विभाग अधिकारी मानक उद्यम प्रशंसनीय एथिपई से समस्त अधिकारी साधुवाद जणाइछन्ति। 5 दिन व्यापी हेबाकु थिबा एही उत्सव रे विभिन्न रीतिनीति अनुष्ठित हेबो। केऊ दिन केऊ नीति हेबो ओ केऊ मानक तत्वावधान रे ता परिचालित हेबो एने पदक्षेप निया जिवो। आपण केति सर को तारीख रहबो केते दिन 15 मे थारो 20 मे पर्यंत 20 मे पर्यंत आमर मंदिर सेवायत माने तारीख देइछंती। तर सबु जो नीतिकर्म अछि सेवायत मानकर कमिटी फाइनल करिछंती, आमे खाली कोऑर्डिनेशन करिछु। तो शांति श्रृंखला सहित से पूरा प्रतिष्ठा उत्सव करबा पई आज निष्पत्ति निया जायछि। तो बाकी जो नीतिकर्म रिलेटेड इश्यूज सेवायत माने देखिबे और बाकी लॉ ऑर्डर इश्यू एंड अदर पार्किंग सैनिटेशन क्राउड कंट्रोल ये इश्यू पुलिस एवं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बुझे। सर कौन कौन सर का नहीं गया बैठक अनुष्ठित नहीं ए तार डिटेल तार सब कलेक्टर हेड अध्यक्ष रहिबे ये कमिटी रे और एक सब कमिटीज गठन हेबो सबू काम पाई। तो अकॉर्डिंगली से काम आरंभ करी छंती। तो बहुत दिन रे ये पेंडिंग थेला प्रतिष्ठा उत्सव तो एबे हेबा भई जाउछ। सर मुख्यमंत्री को डाके पे अनुरोध करथिन से सेवायत सेवायत माने कही छंती। तो से हिसाब रे से विधिपूर्वक तार जो अच्छी निमंत्रण तार जो फॉर्मेलिटीज अच्छी से माने फॉलो करिवे। आपण सर ते तब से नी टी सतन करिवे जे ना आमे कोऑर्डिनेशन कथा बुझबू सब एडमिनिस्ट्रेशन तरफ बिकॉज जे तो नीति कर्म रिलेटेड इश्यूज अच्छी तो सेवायत माने से प्रॉपर करिवे। सर एतबे शुभकुंडी के पड़ो छ। हां शुभकुंडी तार डेट फिक्स करिवे से और शुभ खुंटी पड़ब और आरंभ हो काम। सर ए दिन में भक्त मैंने दर्शन करें रेगुलर करें। हाँ खाली गोटे कंसर्न अच्छी समर हीट वेव टाइप रोची एंड देन किसी जगार मानने ओडिशा रे नहीं बट महाराष्ट्र यूपी ए पटारे दिल्ली कोरोनार भी संभावना बढ़ुची। तो ताको नहीं कोविड गाइडलाइन भी आमको टिके पालन करिबा पड़ो। अन्य पक्षरे प्रतिष्ठा उत्सव पई पूरी मुक्ति मंडपर स्वीकृति नियाजिबो। जिलार 6 गोटी तालुकार राजपंडितंकु निमंत्रण करा पुरी शंकराचार्य पुरी गजपति महाराज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत विभिन्न व्यक्ति विशेषंकु एही उत्सव को निमंत्रण करबा दिगरे पदक्षेप ग्रहण करा जिवो। 5-7 लाख श्रद्धालुंक समागम हेबा संभावना रहितबारु उत्सव को सुरुखुरुरे पालन करबा ओ परिचालना पई विभिन्न कमिटी गठन करा जिवो। आईन श्रृंखला परिस्थिति नियंत्रण उपरे गंजाम अतिरिक्त एसपी ठाकुर प्रसाद पात्र विभिन्न मत पोषण करथिले। समस्त स्थानरे सीसीटीवी व्यवस्था करा जिवो। मंदिर परिवेश को सफा सुथरा रखिबाकु व्यापक सचेतनता हाथकु निया जिवो। स्थायी भावे पाद धोइबा स्थान पीबा पानी व्यवस्था करा जिवो। हाथरे अल्प समय बाकी रहितबारु समस्त प्रस्तुति त्वरान्वित करबाकु जिलापाल परामर्श देथिले। गंजामवासीर दीर्घ दिन प्रतीक्षा बर्तमान सरवाक जाऊँच मंदिर प्रतिष्ठा मंदिर प्रतिष्ठा नहीं मंदिर जो जीर्णोद्धा जीर्णोद्धार हवा कथा तार नुआ कंस्ट्रक्शन है जाणी थी आपण मैंने 2003 रु कंस्ट्रक्शन कम आरंभ हो आज 2022 है। ये दीर्घ दिन जो प्रतीक्षा कर गंजामवासी पार्टिकुलरली तार अवसान हाँ जा मे 15-20 भितर आमर विभिन्न कार्यक्रम एवं मंदिर प्रतिष्ठा को लेकिन से रिलेटेड रे आज कलेक्टर अधिनायक गोटे मीटिंग प्रिपेरेटरी मीटिंग है से प्रिपेरेटरी मीटिंग रे या ए विषय प्रिपेरेसन प्रांजल डिस्कसन एवं आगामी दिन में तार पूर्ण रूपरेख तैयारी हेब एवं विभिन्न कार्यक्रम विषय मंदिर कौन से काम बाकी अच्छे मंदिर किसी छोट छोट कम बाकी अच्छे जोड़ा कि आम भाचु 15 तारीख आगु सर मो बापूजी रेणा मो माँ तारातारिणी सिंह लगी सेवायत जहा हूँ दीर्घ दिन व्यवधान में भगवती माँ तारातारिणी जो नूतन प्रसाद निर्माण होता आज प्रथम बैठक में जिलापाल अध्यक्षतार किभ भाव में संस्कार करोचना कर
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛଅ ତାଲୁକା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାହେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣର ସଂସ୍କାର, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରିବାରରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେବ। ତା ଭିତରେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣର ସଂସ୍କାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣର ସଂସ୍କାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଭଗବତୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି, କେଉଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ପରେ କୌଣସି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆମ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଏବଂ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ସନାତନ ଧର୍ମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏହି ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବା ହେବ ବୋଲି କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।